और हम संबोधित करें। भारत जोड़ो यात्रा में खासकर यहां पर पधारे हुए मेरे हजारों भाइयों और इस मंच पर बैठे हुए हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी और इस कार्यक्रम को विशेषकर तमिलनाडु से पधारे हुए बहुत ही मशहूर एक्टर कलाकार श्री कमल हासन जी और अभी तक हमारे साथ हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी यहाँ पर थी और उनको भी मैं नमस्ते करते हुए कांग्रेस पार्टी के श्री वेणुगोपाल जी और जयप्रकाश अग्रवाल जी, शक्ति सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री चौधरी अनिल कुमार जी और सभी नेतागण, भाइयों और बहनों और माध्यम के मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त आपका लेना नहीं चाहता क्योंकि राहुल गांधी जी जो आज भारत जोड़ो पदयात्रा कर रहे हैं और उनकी बात सुनने के लिए आप यहाँ पर बहुत से लोग जमे हुए हैं, वो केवल ही केवल एक दिन का भी समय नहीं था कि यहाँ पर भाषण होगा, चार बातें कहेंगे, ऐसा कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन जब ये बात सुबह शुरू हो गई तो आज आप लोग हजारों के तादाद में यहाँ पर जमे हैं उनके भाषण सुनने के लिए, उनके कार्यक्रम को देखने के लिए। तो भाइयों, आज ये जो कार्यक्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जैसा कि कमल हासन जी ने कहा कि पार्टी कोई भी हो, विचार किसी के भी हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन देश के लिए हम सब लोग एक हैं और राहुल जी के साथ है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर अपना विचार रखा। सही है ना? तो मैं पूछ रहा हूं, ये सही है क्या? नहीं तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ये वहां से आए हैं भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने के लिए और ये अभी आगे कश्मीर तक चलने वाली है और कश्मीर में तिरंगा झंडा फैलाकर हमारा जो कार्यक्रम है समाप्त होगा। लेकिन बहुत से स्टेट में फिर भी हम कार्यक्रम शुरू किए हैं, हाथ से हाथ जोड़ो ये कार्यक्रम। और जो युवा है आज बहुत इसमें जुड़ रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसी सरकार है यहां दिल्ली में, भारत में, जो जनता को, समाज को धर्म के नाम पर अलग कर रही है और विचारों की जो आदान प्रदान थी और बोलने की आजादी भी वो छीन ले रहे हैं। और बहुत से लोग जो अच्छे विचारधारा के लोग हैं उनको भी डराया धमकाया जा रहा है।
यहां तक कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा बड़ी यशस्वी हो रही है, कन्याकुमारी से लेकर अब तक तो दिल्ली आई है, ये देखकर यहां के सरकार को, बीजेपी को ऐसा हो रहा है, वो डर गए हैं, इसीलिए ये कोविड का बहाना बीच में लाए हैं। अरे कोविड नहीं है कहीं भी, कोई एक मास्क भी नहीं पहना आप देखिए, और किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक हमारे प्रधानमंत्री अपने हेल्थ मिनिस्टर को कहकर ये कहा कि देश में कोविड बढ़ रहा है, इसका जरा प्रचार करो। तो ये प्रचार करके उन्होंने पार्लियामेंट में अपना मास्क लगा के वहां पर आए, लेकिन मैं उनको कहीं शादी में देखा, कहीं जाते वहां पर वो मास्क नहीं लगाए थे, उनका मास्क नहीं था। अरे आप खुद मास्क बाहर नहीं पहनते हो, पार्लियामेंट में आकर ऐसा मास्क पहन के आते हो, यह सिर्फ डराने के लिए, आप में डर पैदा करने के लिए, लोगों में डर पैदा करके इसको, इस यात्रा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम डरने वाले नहीं है, हम आगे बढ़ते रहेंगे। और राहुल जी ऐसी कई चीजें देखते हैं अपने जीवन में, और ये भी उनको अगर कोई भी कितनी भी मुश्किल हमारे सामने आएंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, किसी पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं है, ये इसलिए है देश में महंगाई है, महंगाई के खिलाफ आज ये आवाज उठा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं, आज चीन हमारे ऊपर हमला कर रहा है उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं। हमने भी बड़ी कोशिश की पार्लियामेंट में अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू पे बोलने का, इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे बोलने का, बॉर्डर पे जो चल रहा है आज, चाइना घुसपैठ कर रही उसके ऊपर बोलने का, लेकिन ये सरकार बोलने नहीं देती और हमारी बात नहीं सुनती और चर्चा के लिए भी तैयार नहीं, चर्चा से भाग रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है तो पार्लियामेंट में चर्चा करो, लोगों को मालूम होने दो कि आप किस मंशा से, किस नियत से आपको चर्चा छुपाना। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में ये बात आई थी चाइना का हमले का, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पार्लियामेंट में चर्चा के लिए तैयार हो गए, 165 एमपी उस चर्चा में हिस्सा लिए, 1965 में भी चर्चा हुई उस वक्त विदेश नीति पर, उस वक्त भी 3 दिन चर्चा चला। इस ढंग से कांग्रेस पार्टी जब भी हुकूमत में होती है उस वक्त कोई चीज छुपाती नहीं, सभी लोगों को बताती है, जनता को बताती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी आप क्यों छुपा रहे हो, आप क्यों पीछे हट रहे हो, और चर्चा से क्यों भाग रहे हो, हम ये पूछना चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी की आइडिया है, राहुल जी ने ये निकाला और उसको अनुष्ठान में लाया, अब तक उन्होंने 3,200 किलोमीटर तक अपना तय किया है और आगे भी वो पूरा 2,800 किलोमीटर उन्होंने तय किया है, बाकी का भी जल्दी तय करने वो जा रहे हैं, इसमें कोई पीछेहट नहीं है, चाहे वो कोविड हो चाहे कुछ भी हो, हम वो चलते जाएंगे, लोगों को जोड़ते जाएंगे, लोगों को मिलते जाएंगे। और राहुल जी सिर्फ किसी कांग्रेस को ही नहीं मिल रहे हैं,
या कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नहीं, सभी को, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक और विद्यार्थी से लेकर प्रोफेसर तक, जर्नलिस्ट से लेकर टीवी के लोगों तक, सभी से वो मिलकर उनकी बात सुन रहे हैं और सुनकर आगे बढ़ रहे हैं और देश में क्या माहौल है वो सब उनको मालूम है और वो मालूम कर रहे हैं और देश में भी सबको अब आहिस्ता आहिस्ता ये बात मालूम हो रही है। इसीलिए मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आपको यही कहूंगा, आपका जो रिस्पॉन्स है, आप जो राहुल गांधी जी को मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हो गए हो, इसलिए आपको सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं, आप सभी को मेरा नमस्कार करता हूं, करके मेरे बात को समाप्त करता हूं। एक ही स्लोगन लगाऊंगा, वो आप सभी बोलना, जय हिंद। अरे जोर से बोलो भाई, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। और अब मैं आदरणीय राहुल गांधी जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत देर से